वेलकम टू प्रथम पग द फर्स्ट स्टेप। सो गाइज, आज हम कर रहे हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 8। और आज के इसमें हम क्या सीखेंगे, तो आज हम करने वाले हैं लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स पे जाने से पहले गाइज, मैं आपको मतलब अभी तक हमने 7 लेक्चर किए हैं, तो उन 7 लेक्चर्स में से मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन पेपर देखे CDS के 2021-1 एंड CDS 2 2020। तो इन 7 लेक्चर्स में से ही ना गाइज, कुछ 5-6 क्वेश्चंस आए हैं। सो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। सो एक बार देखते चलते हैं, गो थ्रू करते चलते हैं कि हमें समझ आ भी रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही हैं चीज़ें समझ। सो ओके गाइस, तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर, कलर चेंज कर लेता हूँ यार, हाँ। सो व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ये इसको किया था कि रिवर्स हैं, ये रिवर है, ये मैंने 4-5 रिवर बना दी, डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक। इस लेक में या इस डिप्रेशन में जब पांचों साइड से रिवर्स अपने पानी को ये कर रही हैं, मतलब कि डिस्चार्ज कर रही हैं, तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ट्रेलाइज्ड? नहीं, ट्रेलाइज्ड किसको कहते थे गाइज, राइट एंगल पे, यस, डेंड्राइटिक। एक सोर्स मतलब एक रिवर है जो बिल्कुल ही एकदम प्लेन सरफेस पे बह रहा है, कभी इधर मीएंडर करने लग गया, उसको कहते हैं डेंड्राइटिक। रेडियल गाइस, याद करो रेडियल किसको कहते हैं, और सेंट्रीपीटल, दो ऑप्शन है अपने पास। रेडियल किसको कहते थे गाइस, याद करो मैंने श्रीलंका का ड्रेनेज सिस्टम बताया था कि एक पॉइंट है और यहाँ से सारी रिवर्स निकल रही हैं, अमरकंटक प्लेट्यू भी एग्जाम्पल दिया था। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेडियल। बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन्होंने क्या पूछा है कि सारा पानी एक डिप्रेशन में आ रहा है, दैट इज यहाँ पे देखो सबसे पहले जो इसमें इस इमेज में, तो सारा पानी एक जगह आ रहा है, इसका मतलब क्या है आंसर, सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल में हमने बताया था कि ये हर एक रिवर की रिवर का पानी एक जगह पे आके स्टोर होगा, दैट इज सेंट्रीपीटल ड्रेनेज सिस्टम। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बहुत लोग गलत करके आए थे, बहुत लोग। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, यार रॉक वाला सेक्शन किया हमने उस दिन, 3 टाइप के रॉक्स पड़े थे। शेल याद करो, ग्रेनाइट, हेलाइट, मार्बल। इसमें हमने किसको किया था, ग्रेनाइट याद है कि बसाल्ट होता है ओशन बेड पे, वेयर एज अर्थ के सरफेस पे क्या मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है, हाइपरबेसल रॉक, प्लूटोनिक रॉक्स, इफ यू पीपल रिमेंबर। तो ये था, और ये कुछ नहीं था गाइज, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब लाइक बचपन में करते थे ये चीज़ें हम। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी CDS 1 2021 का ही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने अर्थक्वेक कराया था आपको, तो दे आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। प्राइमरी वेव्स याद करो सबसे फास्टेस्ट होती हैं, तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हैं, तो ये बिल्कुल सही है, और यहाँ क्वेश्चन में बोला है नॉट करेक्ट। सो अपने को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट। सेकंड था कि दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, क्या यही है गाइस, प्राइमरी वेव्स तो गाइस तीनों में ट्रैवल करती हैं, सॉलिड्स में कौन ट्रैवल करता है ओनली थ्रू सॉलिड, तो एस वेव। एस वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड, ये हमने पढ़ा था, इसी कारण एस वेव का शैडो जोन बड़ा बनता है पी वेव से, एस वेव शैडो। ये तो हमने कितनी बार कर लिया गाइज, मैं मतलब हर दूसरे तीसरे लेक्चर में ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ, अब तक तो मतलब दीवार पे भी सपने में आती होगी ये चीज़ कि एस वेव शैडो जोन इज ग्रेटर देन पी वेव। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैसे तो ये करेक्ट आंसर है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था गाइज, बताओ अगर जस्ट बिकॉज हम पढ़ते नहीं है ना चीज़ें, इसलिए अपने को लगता है कि बहुत टफ है, बट ऐसा था क्या, मतलब नहीं ना। थर्ड ऑप्शन क्या था, दे ट्रैवल थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स, बिल्कुल सही है, और ये भी दे मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सर्फेस, सबसे फास्ट ट्रैवल करते हैं गाइज, याद है हमने किया था ये भी, सारी चीज़ें कर रखी हैं इसमें से। अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखें, ये CDS 2 2020 में आया था और एग्जैक्ट NCERT का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन कॉपी है गाइज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन इस चीज़ पे ध्यान रखो, ये UPSC वाले भी हाईलाइट करते हैं कि नॉट है गाइज, नॉट, तो नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। नीचे से स्टार्ट करते हैं, पैसिफिक प्लेट किया है हमने, पैसिफिक प्लेट इज अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट,
इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमने किया है कि ये भी एक मेजर प्लेट है। एंटार्क्टिक प्लेट ये भी हमने किया है। सऊदी अरेबियन प्लेट, नो गाइज इट्स नॉट अ मेजर प्लेट। सेवन मेजर प्लेट्स हैं गाइज, याद है ना, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड द एंटार्क्टिक प्लेट, यही सात मेजर प्लेट्स हैं गाइज, बाकी तो सारे बच्चे पुच्चे हैं। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको, ये भी सी डी एस 2020 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट, वी नीड टू फोकस ओवर दिस प्लेस, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशंस। मरियाना ट्रेंच गाइज, मैंने बताया हुआ था कि एक लेडी है जो स्पेस में भी गई हुई है और मरियाना ट्रेंच में भी गई है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ एज वेल एज स्पेस में भी जा चुकी है। मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है गाइज? पैसिफिक ओशन में। अगर कंट्री बोले कि कौन सी कंट्री के पास है, तो नियर बाय फिलीपींस। ये सब करवा रखा है गाइज। उसके बाद एक और अगर ये क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन द मून। तो ये लोनार लेक, ये जो क्रेटर लेक इसको कहते हैं, महाराष्ट्र का है। मैंने बताया था कि एक लेक है जिसका कलर चेंज हो गया, पिंक कलर का हो गया है, लोनार लेक। दिस वॉज इन न्यूज, सो इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से गाइज। सो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं गाइज, और बहुत इजी क्वेश्चन से, इनमें भी लोग बहुत गलतियाँ करके आते हैं। कई बार लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि फिलीपीन ट्रेंच है या मरियाना ट्रेंच है, तो गाइज मतलब ऐसा है नहीं कुछ, पेपर इजी आता है, वी जस्ट डोंट स्टडी एंड वी ब्लेम कि यार यूपीएससी है बहुत टफ है, नहीं होगा, हम जैसे लोग ही करते हैं यार। सो गाइज कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इरोजन एंड लैंडफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इरोजन एंड लैंडफॉर्म। तो क्यों जरूरी है इरोजन एंड लैंडफॉर्म गाइज? हर बार क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए जरूरी है। हाँ, और जब पेपर क्लियर करना है, जब कूद चुके हो उस फील्ड में, तो अच्छे से घुसो। तो इरोजन एंड लैंडफॉर्म को पढ़ने के लिए हम लोग गाइज चार चीजें पढ़ते हैं, बट सी डी एस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है दो ही, एक कास्ट टोपोग्राफी और दूसरी फ्लूबियल टोपोग्राफी। तीसरी और चौथी भी बता देता हूँ, एक होती है डेजर्ट टोपोग्राफी, वेयर एज एक होती है ग्लेशियल। इम्पॉर्टेंट ये दो ही है, मतलब इन दोनों से क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, अगर इतना आउटपुट नहीं और नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है, जर्मन नेम है, तो याद करने में हालत ख़राब हो जाती है। सो बेटर है कि हम इन दो पे फोकस करें, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, और सॉल्व भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइज कार्स्ट टोपोग्राफी से। किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं गाइज हम? तो वी आर स्टार्टिंग विथ कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी गाइज ना, ये जहाँ पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट रिच रीजन है ना, लाइमस्टोन याद करो गाइज, हमने पढ़ा है सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो जो लाइमस्टोन रिच रीजन है ना, उधर कास्ट टोपोग्राफी मिलता है। होता क्या है, इसका मेन अगर कोई फीचर है ना, तो ये सरफेस पे, मान लो ये सरफेस है, तो वाटर इसके सरफेस पे नहीं, सब सरफेस फ्लो करता है, वाटर इधर इधर से फ्लो करेगा, और जब वाटर सब सरफेस फ्लो करता है ना, तो अपने साइड जो जो लाइमस्टोन रॉक है ना, इनको डिजॉल्व करता हुआ ले जाता है, और किसी पॉइंट पे कहीं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ये लाइमस्टोन फीचर्स कहीं ऊपर ग्राउंड पे, ऊपर सीलिंग के साथ अटैच हो जाएंगे, कहीं पे ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएंगे, ये हो जाता है। सो दिस इज कास्ट टोपोग्राफी इन मोटा मोटा टर्म्स। अभी हम लोग ये देखते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी फीचर कैसे होता है। जस्ट अ सेकेंड गाइज। हाँ, सो गाइज आई गॉट अ कॉल, दैट्स वाई। तो ये हम लोग देखते हैं, आज मैंने पहले ही बना के रखा है, टाइम सेव हो जाता है इससे। तो मैंने क्या बोला कि कास्ट टोपोग्राफी में ना सरफेस ड्रेनेज एब्सेंट होता है, लाइक कि सरफेस पे रिवर फ्लो नहीं करेगा। सो रिवर किधर से फ्लो करेगा गाइज? द रिवर विल फ्लो ना सब सरफेस, सरफेस के नीचे से, और जब सरफेस के नीचे फ्लो करेगा ना, तो अलग अलग फीचर्स बनाता है, जैसे केव बनाएगा, यार ये केव बनाएगा, ओके ये केव बनाएगा। तो सपोज करो कि रिवर यहां से आ रही थी,
और यहाँ पे अब लाइमस्टोन रिच रीजन आ गया, तो रिवर अब क्या करेगी ना कि रिवर ये जो सिंक होल्स, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं ना जिधर से रिवर सरफेस के नीचे जाए, हाँ दिस इज नोन एज सिंक होल्स। तो रिवर यहाँ इस सिंक होल से नीचे की ओर चला जाएगा। जब ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिंक होल्स ना, मल्टीपल सिंक होल्स मिल जाए ना एक जगह, ये मल्टीपल सिंक होल्स मिल जाए तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डोलिना। यही टर्म्स पूछते हैं गाइस कि डोलिना इज अ फीचर ऑफ विच टोपोग्राफी। हाँ क्या बोला मैंने, मल्टीपल सिंक होल्स कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज डोलिना। और जब मल्टीपल डोलिना, ये मल्टीपल डोलिना जब इकट्ठे हो जाए ना तो इट इज नोन एज ओबालाज। ओबालाज क्या है गाइस, मल्टीपल डोलिना कंबाइंड। यही तीन चीजें याद रखो गाइस कि सिंक होल क्या है, जहां से रिवर या जो वाटर का, वाटर की स्ट्रीम है वो सब सरफेस हो जाए उसको सिंक होल बोलते हैं, और मल्टीपल सिंक होल्स जब कंबाइंड हो जाए तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डोलिना। वेयर एज जब मल्टीपल डोलिनाज कंबाइंड हो जाए तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ उबालाज। और जब ये पानी अंदर जाएगा ना, अंदर जाके भी वीक रॉक्स मिल रही हैं उसको, लाइमस्टोन की रॉक्स मिल रही हैं, डोलोमाइट की रॉक्स मिल रही हैं, तो वहाँ पे भी जाके अलग अलग फीचर्स बनाता है, तो उस फीचर को हम लोग केव कहते हैं। केव के अंदर भी ये मल्टीपल फीचर्स बनाता है। एक देख रहे हो, एक मान लो ये केव है, जो ये केव लिख रखा है मैंने, तो केव के ऊपर ये जो अपर पार्ट है जहाँ पे मैं आपको 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 इस ब्लैक पार्ट से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो इसका अपर पार्ट है इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि ये सीलिंग है इस केव की। वेयर एज जो ये ग्राउंड बॉटम पार्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्राउंड है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सीलिंग के साथ अटैच होके एक अलग फीचर बन रहा है, ग्राउंड के साथ अटैच होके एक अलग फीचर बन रहा है। तो इन फीचर्स को भी गाइज हम कुछ नाम देते हैं, तो आइए चलते हैं उन नाम की तरफ। तो ये देखो गाइज, ये मैंने मान लो इसी केव का मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया है, तो ये जो अपर पार्ट जो ये सीलिंग से कनेक्टेड है इसको हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स, वेयर एज जो ग्राउंड से कनेक्टेड है उसको कहते हैं स्टैलेगमाइट्स। हर बार किसी ना किसी एग्जाम में यूपीएससी के क्वेश्चन इस पे रहता ही रहता है। तो स्टैलेक्टाइट सी आ रहा है यहाँ पे गाइज, इस सी से याद रखो कि सीलिंग, और ये जी आ रहा है स्टैलेगमाइट्स, क्या आ रहा है स्टैलेगमाइट्स। सो इस जी से याद रखो कि ग्राउंड, ये ग्राउंड पे जो फीचर बनेगा उसको स्टैलेगमाइट्स कहते हैं, और वेयर एज जो ये सी है स्टैलेक्टाइट्स का सी, यानी कि सीलिंग पे फीचर बनेगा। तो आफ्टर ऑल ये बनता कैसे है गाइस, मेन फैक्ट तो ये है, हमें जानने की जरूरत तो ये है, ठीक है। तो सपोज करो कि वाटर सब सरफेस फ्लो कर रही है, तो वाटर अपने साथ लाइमस्टोन को बहुत ईजिली डिजोल्व करते हैं। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यार, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ईजिली पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना वाटर तो फ्लो कर जाता है यहाँ से, बट इस पॉइंट पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे डिपॉजिट हो के ना ऐसे सीलिंग पे एक फीचर बनाते चले जाएगा, तो इस फीचर को हम गाइज क्या कहते हैं, तो इसी फीचर को गाइज हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेक्टाइट्स। वही चीज़ कई बार क्या होता है, पानी नीचे गिरते जाता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है या फिर पानी ग्राउंड से फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो पानी तो फ्लो करते करते चला गया बट कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ डिपॉजिट रह गया, यहाँ क्या कहीं भी डिपॉजिट रह जाएगा, ग्राउंड पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन ऊपर उठता जाएगा, और ये ऊपर उठते उठते एक फीचर बनाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टैलेगमाइट्स। क्या बोलते हैं गाइस, स्टैलेगमाइट्स, जी से ग्राउंड स्टैलेगमाइट्स, ग्राउंड स्टैलेगमाइट्स, यही पूछते हैं, यही मेन चीज़ है। इसी में एक और फीचर बनता है गाइस कि जब ये स्टैलेक्टाइट्स और ये स्टैलेगमाइट्स अगर मिल जाए, व्हेन दीज टू कंबाइन टुगेदर, तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पिलर, विच पिलर, लाइमस्टोन पिलर। यहाँ देखो मैंने इस डायग्राम में बना रखा है, ये है लाइमस्टोन पिलर, क्या हुआ स्टैलेक्टाइट, दिस स्टैलेक्टाइट एंड दिस स्टैलेगमाइट मेट, और इस फीचर को हम क्या कहते हैं लाइमस्टोन पिलर। ये चीज़ है गाइस, एक पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगी आजकल। तो
ये चीज है गाइस, देखो यहाँ पे कि ये है सिंक होल, क्या है, यहाँ से वाटर अंदर की ओर जा रहा है, ये वाटर अंदर की ओर जा रहा है गाइस। कौन सा कलर विजिबल है यार? हाँ, ये वाटर यहाँ से जा रहा है अंदर की ओर गाइस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके जो सीलिंग से अटैच रह गया, जो फीचर सीलिंग से अटैच रह गया, हाँ, और यहाँ पे प्रोजेक्शन कर रहा नीचे की ओर, तो इसका नाम हमने क्या दिया, स्टैलेक्टाइट्स। वही जो ग्राउंड से अपलिफ्ट होने लग गया ये ऐसे, या फिर यहाँ पे, तो इन फीचर्स का हमने नाम क्या दिया गाइस, स्टैलेगमाइट। ये देखो यहाँ पे लाइमस्टोन पिलर के केस में क्या हुआ गाइस, कि ये स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट आपस में कनेक्ट हो गए, तो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन पिलर। रिवर सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं कर रही, रिवर सब सरफेस फ्लो कर रही है, तो अंडरग्राउंड रिवर है। यही है गाइस कास्ट टोपोग्राफी। इसका एग्जांपल है, जैसे कि इंडिया में इसका एग्जांपल है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर गाइस? तो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है किधर, सोचो। तो इट्स इन मेघालय। और ये एक और चीज़ के लिए, ये तो लाइमस्टोन रिच रीजन के लिए फेमस है ही, एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हुलॉक गिबन। हुलॉक गिबन, अब पूछोगे ये क्या होता है, तो ये एक एप है, यस चिंपांजी एप, वही वाला एप, ये एप है, ओनली एप, इसी मतलब प्रजाति की एप इंडिया में मिलती है। ये चीज़ है गाइस, ओनली एप फाउंड इन इंडिया, ये चीज़ है। इसका अगर मैं कोई और एग्जांपल दूँ अगर आपको कास्ट टोपोग्राफी का, तो बाकू कुछ और है गाइस, तो बाटू केव्स इंडोनेशिया में, बाटू केव्स मलेशिया में है गाइस, सॉरी, बाटू केव्स जो मलेशिया में है, ये भी एक फेमस एग्जांपल है कास्ट टोपोग्राफी का। सो दैट इज ऑल अबाउट कास्ट टोपोग्राफी गाइज। अभी हम लोग करते हैं फ्लूवियल, क्या करेंगे गाइज, तो फ्लूवियल टोपोग्राफी मतलब रिवर्स से जो टोपोग्राफी बने ना, उसको गाइज हम लोग कहते हैं फ्लूवियल टोपोग्राफी। फ्लो दैट मतलब फ्लो से समझो फ्लूवियल। तो अगर किसी लैंडफॉर्म को पढ़ते हैं ना गाइज, हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंडफॉर्म है, लैंड मतलब फीचर्स ही पढ़ रहे हैं। तो एक डिफिनेशन भी याद रखो कि लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम। हमने स्ट्रक्चर और प्रोसेस पढ़ लिया है कि रॉक किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है, जॉइंट रॉक्स है, वेल जॉइंटेड रॉक्स है, वीक रॉक्स है, कौन से प्रोसेस उस पर लगी है, वेदरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइम। सो टाइम पढ़ने के लिए ना गाइस, इसको हम बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे से, ह्यूमंस का कैसा सिस्टम होता है गाइस। सबसे पहले हम मतलब कि एक इन्फेंट बेबी होगा तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं यूथफुल स्टेज, देन ही विल बिकम मैच्योर। तो उसका एक मैच्योर एज आएगा जहाँ पे यस पत्नी बाल बच्चे ये होगा, और एक फाइनली ओल्ड एज जहाँ पे अब बस ऊपर जाने के दिन आ गए। तो ये चीज़ है ह्यूमंस का, यही मतलब लाइफ साइकिल है मोटा मोटा। रिवर्स भी गाइस मैं कहूँगा सेम लाइफ साइकिल फॉलो करती हैं। कैसे? तो रिवर्स में देखो ना गाइस, सबसे पहले क्या होता है कि कोई नदी अगर पहाड़ों से निकल रही है, तो बहुत दिस नदी यहाँ से निकल रही है, नदी पूरे यूथफुल स्टेज में अपने नदी ऐसे निकल रही है, तो नदी बहुत तेज़ी से निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, अपने साथ जो भी चीज़ें आती हैं सब कुछ कैरी करते हुए ले जाती हैं, और मतलब पता नहीं कहाँ तक ले जाती हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर्स। यही नदी जब नीचे प्लेन्स में आ जाती है, व्हेन ये नदी जब प्लेन में आ जाए, तो इस नदी का फ्लो ना बहुत कम हो जाता है,
ये नदी का फ्लो गाइस बहुत कम हो जाता है, और ये नदी तब क्या करती हैं कि अब इनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि ये चीज़ों को बहुत दूर तक ले जाएं, तो ये चीज़ें को छोड़ने लग जाती हैं, जो भारी भरकम चीज़ें हैं उनको छोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे अब रिवर डिपोजिशन वर्क स्टार्ट करने लग जाता है। मैच्योर एज में क्या होता है, रिवर्स यूथफुल स्टेज में रिवर इरोड करता है, मैच्योर स्टेज में रिवर इरोजन करता है बट उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं करता, बट मैच्योर स्टेज में डिपोजिशन प्रिवेल करता है। और अब रिवर आ गई है ओल्ड एज में, ओल्ड एज बोले तो यार यहाँ से ओल्ड एज स्टार्ट है, ओल्ड एज। तो जब रिवर अपने ओल्ड एज में आ जाए ना, तो रिवर बुढ़ापे में क्या होता है यार, ह्यूमंस के साथ ताकत खत्म हो चुकी होती है, कुछ करने का होता नहीं है, बस अपना ज्ञान देते चलते हैं दूसरे को। तो इनके इस केस में रिवर का ज्ञान क्या है, वो क्या है, वो जो चीज़ें कैरी कर रही है, जो सेडिमेंट्स कैरी कर रही है। तो अब रिवर कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन करती है, नो इरोजन एक्टिविटी, ओनली डिपोजिशन। अब यहाँ पर रिवर्स बहुत छोटे 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 डिपोजिशन करने लग जाएगी, और इन्हीं डिपोजिशन इन्हीं इरोजन में मल्टीपल फीचर्स एसोसिएटेड है जो हमारे को पढ़ना है, जैसे प्लंज पूल्स क्या होते हैं, मियांडर्स क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या है, वाटरफॉल कैसे बन रहे हैं, वी शेप्ड यू शेप्ड वैली क्या है, यही चीज़ें पढ़नी है गाइज, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये पढ़ने के बाद आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, और मतलब आपका फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो गाइज यूथफुल स्टेज के बारे में आगे देखते हैं कि यूथफुल स्टेज में गाइज और फीचर्स होती क्या क्या है, मतलब क्वेश्चंस किधर से आते हैं गाइज। तो अपने को एक चीज़ कंफर्म हो गया कि यूथफुल स्टेज में क्या है कि रिवर्स नई नई निकली हैं, रिवर्स के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इरोजन मतलब इरोजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और रिवर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण जब रिवर्स फ्लो करती है ना गाइस, सपोज ना दिस इज जब रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर ऐसे पहाड़ों से फ्लो कर रही है तो बहुत ही तेज़ी से निकल रही है। तो इस तेज़ी के कारण ना यहाँ पे अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स, ये बोल्डर्स कैरी कर रही है। ये बोल्डर्स जब ओशन बेड या रिवर या ये जो कॉन्टिनेंटल बेड है इस पर जब रिवर की ये जो पत्थर्स आएंगी बहुत स्पीड से ना, तो यहाँ पर एडी करंट जनरेट होगी, और एडी करंट जनरेट होने के साथ साथ यहाँ पे पूल यानी कि एक डिप्रेशन सा बनता जाएगा। ये मैं ग्रीन कलर से करता हूँ कि ये बड़े बड़े पत्थर आए और यहाँ पे एक डिप्रेशन सा बनता जाए, क्योंकि ये ओशन बेड या जो बेड है जो मतलब कि सी बेड है इससे लगेंगे, और यहाँ पर ये एक डिप्रेशन बनता जाएगा। दिस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, इस डिप्रेशन को हम लोग गाइस बोलते हैं पॉट होल्स, मैं प्लंज पूल बोलने वाला था, सॉरी फॉर दैट, पॉट होल्स बोलते हैं गाइस, इस डिप्रेशन को हम लोग बोलेंगे पॉट होल्स। यही डिप्रेशन, यही एग्जांपल मैं लेता हूँ कि यहीं पे रिवर अपने साथ बहुत बड़े बड़े सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है, और ये जब एडी करंट जनरेट हो चुका है, पॉट होल्स बन चुके हैं, तो यही जब ये सेडिमेंट्स जब वर्टिकली इरोड करने लग जाए, हाँ ऐसे जब ये पॉट होल इंटेंसीफाई होता जाए, डेप्थ में नीचे की ओर बढ़ता जाए और एक वी शेप्ड ले लें, तो दिस फीचर इज नोन एज वी शेप्ड वैली। क्या, वी शेप्ड वैली, एक बार फिर से समझाता हूँ अलग कलर से, कि ये हिमालयाज या इन पर जनरल कोई किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो बड़े बड़े पत्थर कैरी कर रहा है, यहाँ पर ये डिप्रेशन क्रिएट करते जाएंगे, पॉट होल्स बने, पॉट होल्स के बाद फर्दर भी डिप्रेशन इंटेंसीफाई होता जाएगा और एक वी शेप्ड वर्टिकल इरोजन होगा, क्योंकि पत्थर बहुत तेज़ी से इरोड कर रहे हैं सरफेस को, और एक पत्थर तो है नहीं भाई, एक जाता है दूसरा आता है, और रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये जो वी शेप्ड इरोजन होगा ना इसको ही कहते हैं वी शेप्ड वैली। तो यूथफुल स्टेज के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं गाइस, सबसे पहले तो अपने को याद रखना, एक है पॉट होल, देन वी शेप्ड वैली। अभी हम लोग देखते हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल में क्या होता है गाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। वाटरफॉल दो आपको यूथफुल, ओल्ड और मैच्योर तीनों एज में मिल जाएंगे, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं ना गाइस इधर ही होंगे। सपोज दिस इज़ अ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, ये हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक हमने पढ़ा है पहले की क्लासेस में। तो रिवर यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, सॉफ्ट रॉक को इरोड करते हुए यहाँ से फ्लो करते हुए रिवर ऐसे वाटरफॉल नीचे की ओर जाएगा। ये हो गया वाटरफॉल का फंक्शनिंग गाइस, कि सॉफ्ट रॉक इरोड होता जाता है तो इसलिए फॉल बनता जाता है।
जब वाटरफॉल आपने हमेशा देखा होगा कि आपका भी धर्मशाला मतलब धर्मशाला गया कहीं भी इंडिया में हर एक स्टेट में मिल जाएंगे आपको वाटरफॉल्स, राजस्थान वगैरह को छोड़ दे, तो जहाँ पे आप अगर आप वाटरफॉल के नीचे जाके देखते हो कि जहाँ लोग नहाते हैं, तो वो एरिया अलग से एक डिप्रेशन होता है। ये जो डिप्रेशन होता है ना, ये कैसे बनता है, तो जब कॉन्टिन्यूसली ये पानी गिरता जाएगा तो ये एरिया इरोड होता जाता है, ये इरोड होते 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 यहाँ डिप्रेशन बनता जाता है, तो दिस डिप्रेशन इज नोन एज प्लंज पूल्स। तो ये चार मेन फीचर्स हैं गाइस, किस चीज़ के, तो यूथफुल एज के। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लंज पूल सबसे ज़्यादा किस एज में डोमिनेंट हैं, तो यूथफुल एज में, यही है, यही पूछते हैं गाइस। अभी हम लोग बात करते हैं गाइस मैच्योर एज और मैच्योर स्टेज। इसमें क्या होता है, रिवर्स यूथफुल स्टेज से निकल चुकी हैं। ह्यूमंस का देखो ना, ह्यूमंस में क्या होता है, मैच्योर एज में जाके आपकी एनर्जी कम हो जाती है, अब आप डिपोजिशन यानी कि थोड़ा खर्चा कम करते हो, अब सेविंग्स में जाते हो, तो वही यहाँ पे हो रहा है कि रिवर्स अब इरोड कम, अब रिवर्स डिपॉजिट ज़्यादा कर रही है, रिवर्स के पास डिपोजिशनल फीचर ज़्यादा आ गई है, रिवर्स के पास ताकत थोड़ी कम हो गई है, तो रिवर्स अब मैच्योर एज में आ जाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ना, एग्जाम्पल के मैं फिर डायग्राम से समझाता हूँ गाइस। ये देखो, तो यहाँ तक मान लेते हैं ये है यूथफुल, यहाँ तक तो रिवर्स ने बहुत अच्छे से भाई ताकत के साथ आती गई, तो यहाँ पर से जब रिवर्स ना अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आ रही थी, जैसे ही यूथफुल एज खत्म हुआ, रिवर्स की इरोजन पावर कम हो गई, रिवर्स की स्पीड कम हो गई, तो ये बड़े पत्थर पीछे छूटने लग गए, ये पत्थर पीछे छूटने लग गए और ये पत्थर इधर ही रह गए, तो इन पत्थरों के होने के कारण रिवर्स ना सब सरफेस फ्लो करने लग गए, रिवर्स सरफेस के नीचे से फ्लो करने लग गई, और यहाँ पर मतलब बिल्कुल इल डेंट, और ये पत्थर पोरस थे तो पानी ऑलमोस्ट इनके नीचे से ही निकलता था, तो यहाँ पे पत्थर होने के कारण यहाँ पे आप फार्मिंग वगैरह भी नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर अगर देखें ना तो डीप रूट वाले बड़े बड़े ट्रीज निकल के आए, आप यहाँ पे फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं था, बट यहाँ पे डीप रूटेड बड़े बड़े ट्रीज निकल के आई, तो इस चीज़ को हम कहते हैं भावर। और अभी यहाँ पे जहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर अब ख़त्म आने लग गए, और छोटे छोटे पत्थर के ऊपर से अब वापस से नदियाँ ऊपर से फ्लो करने लगी, यानी वापस से नदियाँ सरफेस पे फ्लो करने लग गई, तो जब ये नदियाँ सरफेस पे फ्लो करने लग गई ना, तो यहाँ पे एक अच्छा सा मार्शी सा लैंड हो गया, और जो ह्यूज डेंसली पॉपुलेटेड हो गया ट्रीज से, यहाँ पे हर एक टाइप की ट्रीज, यहाँ पे लैंड भी अच्छा मिल गया, खेती के लिए भी लोग ये करने लग गए, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी जनरेट हुई, वाइल्ड लाइफ भी ग्रो हुई अच्छे से, एग्रीगेरियन लैंड मिला, सो दिस पोर्शन इज नोन एज तराई। और भावर और तराई को अगर इकट्ठा बोलें तो हम लोग बोलते हैं एलुवियल फैन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि एलुवियल फैन इज़ अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ विच स्टेज, तो आप बोलोगे मैच्योर एज। एलुवियल फैन कौन से एज में मिलता है गाइस, मैच्योर एज में। ये हमें याद रखने हैं हमेशा के लिए कि इंडिया में ना चार स्टेज होते हैं, भावर, तराई, भंगर एंड खद्दर। ये हमने देख लिया एलुवियल फैन मैच्योर एज। ये जो भागर एंड भंगर एंड खद्दर है ना गाइस, दिस इज एग्जांपल ऑफ ओल्ड एज, अभी पढ़ाऊंगा आगे। तो याद रखो कि एलुवियल फैन और इन भावर और तराई को इकट्ठा हम लोग क्या कहते हैं, तो एलुवियल फैन। सो ये है मैच्योर एज का सबसे अगर कोई प्रोमिनेंट एग्जांपल है तो एलुवियल फैन। अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, मतलब सेकेंड फीचर की बात करें, तो एक फीचर एक और ये बनाता है, दैट इज मियांडर। मियांडर भी गाइज ओल्ड एज में भी बनता है और मैच्योर एज में भी बनता है, बट प्रोमिनेंट इज इन मैच्योर एज। तो रिवर जब ना अलग अपना विंडी डायरेक्शन अपनाने लग जाए, कोई रिवर स्पीड स्लो है, हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस है, एक बिल्कुल ही प्लेन सरफेस मिला हुआ है, तो रिवर ना एक अपना ही अलग अलग डायरेक्शन लेने लग जाए, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि मियांडरिंग हो रही है, रिवर मियांडर कर रहा है, यानी कि रिवर स्पीड कम है। आपने देखा होगा कि जब कम पानी में स्पीड कम होना तो रिवर मियांडर करने लग जाती है, रिवर्स का डायरेक्शन मतलब किसी रिवर का ये फ्लो होना था, बट
अब वो रिवर ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है। तो दिस इज़ मीएंडरिंग ऑफ रिवर्स गाइस। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इसको हल्के में समझा रहा हूँ। इसमें साइनस कर्व्स होते हैं, रिवर क्लिफ, स्लिप ऑफ स्लोप, ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं अपने को। इसलिए अपने को बस ये जानना है कि मीएंडर होता कैसे है। एंड आई होप यू पीपल गेट दिस कि रिवर की फ्लो ऐसी होनी थी, बट रिवर जस्ट बिकॉज की प्लेन सरफेस है और रिवर अलग मीएंडर करने लग गया है, ये चीज़ है गाइस। तो मीएंडर्स में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था कि मीएंडर्स, यस, कि मीएंडर्स में हमने हमेशा सुना है कि सॉरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं गाइस कोसी रिवर को, एंड कोसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। एक और सॉरो याद रखो, सॉरो ऑफ बंगाल, यस खेला होगे दीदी, तो सॉरो ऑफ बंगाल इज दामोदर रिवर। क्यों सॉरो गाइस, सॉरो क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि ये रिवर मतलब अपने मियांडर के कारण ना इतनी ज़्यादा मियांडर करती है कि फ्लड्स ले आती हैं हर साल। सॉरो ऑफ चाइना भी हमने पढ़ा है गाइस ऊपर के लेक्चर में ना, हमने सॉरो ऑफ चाइना भी किया था, याद करो यांगजे रिवर। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है गाइस, कंटेंट भी, यांगजे रिवर और येलो रिवर गाइस इसको कहते हैं। तो ये सॉरोज हैं कुछ याद रखने के। तो दिस इज ऑल अबाउट मैच्योर एज। अब सो गाइस अब बात करते हैं हम ओल्ड एज के बारे में, कौन से कलर से, इस कलर से। सो अब हम बात कर रहे हैं गाइस ओल्ड एज के बारे में। तो ओल्ड एज में क्या है कि रिवर के पास अब इरोड करने की कैपेसिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रिवर अब क्या कर रहा है, ओनली डिपोजिशन, सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशन और कुछ नहीं, मैं सिर्फ डिपोजिट करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। ओके सो इसमें सबसे पहला कोई फीचर अगर हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम पढ़ते हैं ऑक्स बो लेक। ये मियांडरिंग से एसोसिएटेड है गाइज। तो इमेजिन करो कि किसी रिवर का कोर्स ऐसा था, ठीक है, बट अब रिवर बिल्कुल प्लेन टोपोग्राफी, बिल्कुल फ्लैट लैंड पे बह रही है। तो रिवर ने बोला कि यार मैं ऐसे अब ऊपर क्यों जाके, मैं सीधा यहीं से यहीं चली जाती हूँ, रिवर सीधा अब ये। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया, जिसको मैं अगर अभी ब्लैक कलर से इनसर्कल करूँ, तो ये रिमेनिंग पोर्शन को ही हम गाइस कहते हैं ऑक्स बो लेक। बहुत लेक्स आपने देखे होंगे ऐसे जो मतलब ऑक्स बो लेक का फीचर ले लेता है। ये जो ब्लू कलर से है, दिस इज द एक्चुअल पाथ होना चाहिए था जो, बट ड्यू टू मियांडरिंग इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्स बो लेक। सो गाइस ये है ऑक्स बो लेक, ये है मेंटोस जिंदगी। तो ऑक्स बो लेक का अगर कोई एग्जांपल बोले तो कवर लेक, याद रखना रामसर साइट में भी इसको नाम मिला इसी साल। तो कवर लेक कहाँ पर है गाइस, तो ये बिहार में है, एशियाज बिगेस्ट ऑक्स बो लेक। ये एशिया का सबसे बड़ा ऑक्स बो लेक है गाइस, प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में, रामसर साइट आ चुका है, तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। एक और चीज़ याद रखना गाइस कि जो डल लेक एंड वुलर लेक, ये भी एग्जाम्पल हैं ऑफ ऑक्स बो लेक। बट आप बोलोगे यार सर वहाँ तो पहाड़ हैं, वहाँ पे तो मियांडरिंग होती नहीं है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये जो ऑक्स बो लेक है ना, ये किस लिए है, तो ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये मैंने लिख दिया है, याद रहेगा, ये जो ऑक्स बो लेक है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, नॉट बिकॉज ऑफ मियांडरिंग। ये एनसीईआरटी में बहुत ही स्पेशली मेंशनड है और ये हम इग्नोर कर देते हैं हर बार। तो अपने को याद रखना है कि ऑक्स बो लेक एग्जाम्पल है गाइस, ये है डल ऑक्स बो लेक, मतलब डल लेक और वुलार लेक एग्जाम्पल है ऑक्स बो लेक का, बट ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। और ये एशिया का सबसे बड़ा ऑक्स बो लेक है, कौन सा लेक, कुंवर लेक, कहाँ पर है, बिहार में, बिहार में कहाँ, बेगूसराय में। ओके गाइस,
ये तो था कि ऑक्सबो लेक के आने में ब्रिंडले। एक और सेकंड फीचर होता है जिसको हम कहते हैं एलुवियल फ्लड, और ये फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन ज़्यादा कॉमनली यूज टर्म है, फ्लड प्लेन ही बोलो आप। फ्लड प्लेन में क्या होता है कि गाइस ये बहुत ही फर्टाइल डिपोजिशनल फीचर है, और ये एलुवियल सॉइल ही डिपॉजिट करता है, इसलिए इसको एलुवियल फ्लड भी बोलते हैं। ये चीज़ है, क्या होता है गाइस कि सपोज करो ऐसे ठीक रहेगा इसको मैं ना, तो गाइस ये है कि एलुवियल फ्लड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सपोज करो कि ये है नॉर्मल टाइम पे, अभी बारिश वारिश का सीज़न नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रिवर की फ्लो, बिल्कुल रिवर एकदम अपने जितने उसको एरिया में होना था उतने में ही है, बट बारिश हुई, यहाँ पे फ्लडिंग आने, फ्लड होने मतलब फ्लड आ गया इस रीजन में, और नदी यहाँ तक आ गई। तो नदी यहाँ तक आई, तो ये है फ्लडिंग के टाइम नॉर्मल। ओके, तो फ्लड के टाइम पे क्या हो गया कि ये नदी यहाँ तक आ गई, तो नदी अपने साथ फिर से सेडिमेंट्स लेके आई होगी, यहाँ पर फाइन सेडिमेंट्स इसने छोड़ दिए होंगे। हाँ, और कई बार क्या होता है कि बहुत दूर तक फ्लडिंग हो जाती है, तो ये जो फाइन सेडिमेंट्स थे ये वापस से, मतलब कि आपको क्या क्या सकते हो कि इनका फिर से ये फाइन सेडिमेंट्स, ये जो फाइन सेडिमेंट्स है इनसे मिक्सअप कर जाते हैं, ये होता है। तो इस सेडिमेंट्स को हम लोग कहते हैं भंगर, यानी कि ओल्ड एलुवियम, ये जल्दी मतलब बहुत पुराने एलुवियम है ये है, वेयर एज ये जो हर साल रिप्लेनिश होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यू एलुवियम। ठीक है गाइस, इसको मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, अभी पहले इसको करते हैं। तो ये है जब फ्लडिंग के टाइम पे कैसे खद्दर और भंगर मतलब कि रिप्लेनिश होते हैं, वेयर एज इन नॉर्मल टाइम्स में क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मल इतनी ही दूरी पानी है, बट जब फ्लड आता है ना गाइस, तो यहाँ पर जब फ्लड का पानी वापस जाता है तो यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हो जाते हैं, कुछ सेडिमेंट्स छोड़ देता है यहाँ पे, एक ये नेचुरल एम्बार्कमेंट बन जाता है। इस नेचुरल एम्बार्कमेंट को गाइस हम कहते हैं लेवाई, इस नेचुरल एनवायरमेंट को एम्बार्कमेंट को हम क्या कहते हैं लेवाइस। CDS CAPF दोनों में ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक अपलिफ्टेड लैंड रह जाता है आफ्टर द फ्लड, इस लैंड को हम क्या कहते हैं, तो इस लैंड को हम क्या कहते हैं लेवाइस। ये चीज़ है, सो मैं इसके बारे में आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरे को लगा कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ। तो ये रिवर है, यहाँ पे फ्लड आ गया, जब ये फ्लड आया ना, तो ये फ्लड अपने साथ सेडिमेंट्स, फाइन सेडिमेंट्स भी कैरी करते हुए आया, तो जब बारिश का पानी वापस गया तो वो सेडिमेंट्स वापस नहीं गए, वो सेडिमेंट्स यहीं के यहीं रह गए, तो यहाँ की जो सॉइल थी यहाँ पे इनको न्यूट्रिएंट्स वापस से मिल गए, इनके सेडिमेंट्स वापस से रिप्लेनिश हो गए, तो इस सॉइल को हम क्या कहते हैं खद्दर सॉइल, यानी कि न्यू एलुवियम, ये हर साल आपको रिप्लेनिश होता है। वेयर एज कभी कभार जब फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाए तो इधर सेडिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे सेडिमेंट्स आके रह जाते हैं, वापस जब पानी वापस जाएगा तो ये सेडिमेंट्स वापस नहीं जाते हैं, तो ये ओल्ड जो सेडिमेंट यहाँ पे है ना, उस ओल्ड सेडिमेंट के साथ मिक्सअप कर जाते हैं, और जो यहाँ पे ओल्ड सेडिमेंट, ये जो पहले से ओल्ड सेडिमेंट्स थे, इस ओल्ड सेडिमेंट को हम क्या कहते हैं, तो भंगर, यानी कि ओल्ड एलुवियम। ये दोनों ही आपको फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये भंगर और खद्दर वाला ही रीजन है। इसको वैसे तो ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, हम इंडियन ज्योग्राफी में इसको और अच्छे से करेंगे। सो आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ आज अच्छे से कि मियांडर कैसे फॉर्म होता है, ऑक्सबो लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये चीज़ें हैं गाइस। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, हमने फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद अब हम कल से स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। मैं कोशिश करूँगा कि फिजिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल कर लूँ, या फिर आफ्टर क्लाइमेटोलॉजी हम एक बार फिजिकल और क्लाइमेटोलॉजी के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे अटेम्प्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच गाइज़।